अरबी में एक कहावत है, इंसान वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से डरता है। क्या है पिरामिड? किसने बनाया था पिरामिड? क्यों बनाया गया था पिरामिड? क्या इस पिरामिड को एलियंस ने बनाया था? क्यों आज के लोग इस पिरामिड के बारे में जानना चाहते हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है पिरामिड? मिस्र में जब कोई फेरो या फिर सम्राट बनता था, उसका पहला काम था अपने लिए एक पिरामिड बनाना, क्योंकि वो जब मर जाएगा उसकी बॉडी को राइजन नाम का एक चिपचिपा पदार्थ से एक कपड़े की पट्टी की मदद से बांध देते थे और पिरामिड के अंदर दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। इस प्रोसेस को मम्मीफिकेशन कहा जाता था। इस बॉडी को मिस्र में मम्मी कहते थे। उन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी जीवन होता है और राजा को कुछ चीजों की जरूरत भी हो सकता है, इसीलिए राजा के शवों के साथ खाना पीना वस्त्र गहने बर्तन वाद्य यंत्र हथियार जानवर और कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी मम्मी बनाकर राजा के साथ दफना दिया जाता था। कैसे बना था पिरामिड? भारत की तरह मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। वैसे तो पूरी दुनिया भर में 138 पिरामिड है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गीजा का महान पिरामिड है। ये दुनिया के 7 प्राचीन अजूबे में इसका नाम भी शुमार है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के फेरो या फिर सम्राट खुफू की मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था, जिसकी ऊंचाई करीब 450 फीट है। इस पिरामिड का आधार 13 एकड़ में फैला है, जो कि 16 फुटबॉल ग्राउंड जितना है। इस पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था। एक एक पत्थर का वजन 20 से 80 टन तक है। इस पिरामिड का पूरा वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। आज का सबसे ज्यादा वजन उठाने वाला क्रेन ज्यादा से ज्यादा 20 टन तक उठा सकता है। तो सोच कर देखिए, 4000 साल पहले इस पत्थर को 450 फीट ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया होगा। इस महान पिरामिड के पत्थरों के ब्लॉक्स को इस तरह फिट किया गया है कि दो पत्थर की ब्लॉक्स के बीच एक ब्लेड तक नहीं घुस सकता। गीजा का इस महान पिरामिड को बनाने में करीब 23 सालों का वक्त लग गया था। पिरामिड का स्ट्रक्चर। इस पिरामिड के अंदर कितने चैम्बर है कोई नहीं जानता, पर अभी तक शोध के मुताबिक यहाँ 3 चैम्बर मिला है, बेस चैम्बर, किंग चैम्बर और क्वीन चैम्बर। मगर हैरानी की बात यह है कि किंग चैम्बर में ना तो किंग की मम्मी मिला और ना ही क्वीन चैम्बर में क्वीन की मम्मी मिला और ना ही कोई मकबरा मिला, जिसके कारण इतिहासकार ये नहीं बता पाते हैं कि पिरामिड को असल में बनाया क्यों गया था। तो आखिर पिरामिड को बनाया किसने? कई विशेषज्ञों का कहना है कि गीजा का महान पिरामिड को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था। हालांकि इन बातों पर कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन पिरामिड के साथ एक सिद्धांत जुड़ा है जिसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार अगर आप रात को पिरामिड को देखोगे तो 3 पिरामिड के साथ 3 सितारे एकदम सटीक तरीके से अलाइंस होते हुए दिखेंगे। इस नक्षत्र को ओरियन बेल्ट कहा जाता है। इस थ्योरी के कारण कई जानकार ये मानते हैं कि 4000 साल पहले हमारे धरती पर एलियंस आए थे और वो एलियंस इन तारों से आए थे। कुछ पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर कई वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद पिरामिड को एलियंस ने बनाया हो। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का जियोग्राफिकली सेंटर कहां पर है, क्या आप बता सकते हैं? अमेजिंगली वहीं पर है जहां पर गीजा का महान पिरामिड है। मिस्र में आपको ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीबो चित्र देखने को मिलेगा। इसे देखकर आपको क्या लग रहा है? इसे देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मॉडर्न एलियन टेक्नोलॉजी दिखाता है? इसे देखकर आप चौंक गए ना? ये 4000 साल पहले बनाया गया एलियंस का चित्र है। ये टेम्पल दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक जगह है। यहाँ पर एक चित्र बना है
जो बल्ब की तरह कुछ है। इसे जानकर ये मानते हैं कि 4000 साल पहले मिस्र में बिजली का आविष्कार हो चुका था, जिसे एलियंस ने दिया था, जो उन्हें रात के समय पिरामिड को बनाने में मदद करता था। यह बिल्कुल आज की बल्ब की तरह दिखता है। ये थी गीजा की महान पिरामिड से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।